तो आज मैं आपको लेके चल रहा हूँ मैट्रिक्स का जो शो था गोवा में, उसका सेकंड डे का फर्स्ट परफॉर्मेंस ये था। ये एक ग्रुप था जो कि इंडियन और अमेरिकन लड़कियाँ, यूरोपियन लड़कियाँ मिक्स सब लोग परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जो लोग वर्ल्ड में ऑलमोस्ट 18 के करीब अवार्ड्स जीत चुके हैं और काफ़ी जगह पे परफॉर्मेंस कर चुके हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा दिखने वाला ये परफॉर्मेंस था, मैंने देखा। ट्रस्ट मी, अगर आप इस शो में थे, जो लोग भी गए हुए थे उनको ये चीज़ें याद रहें। मैंने ये वीडियो इसलिए अपलोड किए हैं कि आप लोग भी देख पाए दुनिया में कि इंडिया में मैट्रिक्स शो में क्या क्या हुआ था। तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें जो लास्ट वीडियो में नहीं बताई थी इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। आप ध्यान से देखते रहिएगा क्योंकि ये वीडियो में खासकर दिखाने वाला हूँ कि मैट्रिक्स, जो कि इतना बड़ा ब्रांड है वर्ल्ड में, अमेरिका में सबसे बड़ा ब्रांड है ये, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जो एशिया में नहीं आती हैं ये लोग अमेरिका में यूज़ भी कर रहे हैं। तो धीरे धीरे होप सो काफ़ी सारी चीज़ें इंडिया में भी आनी शुरू हो जाएंगी, जैसे कि काफ़ी क्रेज़ी कलर हैं, अलग अलग ब्रांड ने निकाल दिए हैं, बट मैट्रिक्स के अभी आने शुरू नहीं हुए हैं। तो ये हमारा यहाँ पे आज का जो सेकंड डे का इंडोर स्टेडियम के अंदर का जो आप देख रहे हो, सेकंड डे सबसे ज़्यादा लोग आए हुए थे रादर देन फर्स्ट डे। फर्स्ट डे में कुछ भी लोग नहीं थे मैंने देखा, सेकंड डे 5,000 से भी ज़्यादा लोग मुझे लग रहे थे कि अंदर इंक्लूड हो चुके हैं, अंदर आ चुके हैं, अंदर ज्वाइन कर चुके हैं। इस दिन वो मिस्टर आलिम हाकिम भी आए थे और ओनर ऑफ एनरिच सलोन, एनरिच टीम भी आई हुई थी, काफ़ी लोग ऊपर की साइड जो ऑरेंज बैंड वाले थे वो भी बैठे हुए थे। तो आज जो शो था ये आपको इंस्ट्रक्शन देने वाली हैं, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। तो उनकी परफॉर्मेंस ख़त्म होने के बाद अभी ये सेकंड परफॉर्मेंस है, ये एक डांस ग्रुप था। ओके, इन लोगों ने अपना डिफरेंट काइंड का डांस दिखाया है, आप देख रहे हो ज़रा ध्यान से। तो देखिएगा, मैं एक्चुअली ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगा वीडियो में ज़्यादा बोल बोल के, तो आप वीडियो को एंजॉय कर सकते हो। तो जैसे ही वो डांस परफॉर्मेंस ख़त्म हो जाता है, डैनियल आ जाती हैं अपने हे डू के बारे में बताने के लिए। बहुत अच्छा हे डू किया था ये मैंने देखा, और आप लोगों को भी आज मैं दिखाने वाला हूँ डैनियल ने एक्चुअल में कौन सा हे डू किया और कैसे किया। तो ये पूरा वीडियो आपको दिखाने वाला हूँ, कहीं मत जाइएगा, आज सब दिखाने वाला हूँ आपको। तो यहाँ पे सबसे पहले जो डैनियल कर रही हैं वो टॉप के हेयर को, जो भी आप बोलते हो, बन बोलते हो, पफ बोलते हो,
वो बना के दिखा रही हैं। बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट देखने को मिली, सीखने को मिली। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी जो नई थी एक्चुअल में। तो यहाँ पे वो थोड़े थोड़े हेयर्स जो हैं वो निकाल रही हैं अपने हेयर डू में से, जैसे जैसे वो टाई कर रही हैं और साथ साथ में हेयर निकाल भी रही हैं। तो इसी तरीके से वो करने वाली हैं पूरे बालों को, पूरे बालों को हेयर डू। आप देखते रहिए क्योंकि मैं ज़्यादा बोलने वाला कम हूँ इस बार, आपको दिखाने के लिए ये वीडियो बनाया। तो बहुत अच्छा शो था और बीच में आई थिंक रैंप वॉक के लिए भी लड़कियां आ रही थी। अब देख रहे हैं किस तरीके से वो उनको बालों को निकाल रही हैं, कितने अच्छे तरीके से। ये दो ही हेयर स्टैंड लिए हुए रोप की तरह उसको घुमा रही हैं और फिर उसमें से हेयर को निकाल रही हैं। एकदम इजी है, एकदम इजी, कुछ भी नहीं किया जा रहा है इसमें। सिर्फ उसको दो हेयर स्टैंड को आप ब्रेड करते हो तीन से, तो इसमें दो ही यूज़ की जा रही हैं, उनको घुमा के और उसमें से हेयर निकाल रहे हैं। बहुत ज़्यादा इजी है। लास्ट में इसको रबर लगा दिया, जैसे हम ब्रेड में यूज़ करते हैं रबर, तो उसमें रबर यूज़ कर दिया है, रबर बैंड। जैसे ही ये ख़त्म होगा आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से। अभी बाकी है, अभी जो साइड के बाल हैं उनको दिखाने वाली हैं वो कैसे टाई कर सकती हैं, कैसे उसको ओपन रख सकती हैं। ओपन रखेंगी ये। देखिए हेयर स्प्रे किया, बालों को कॉम किया अच्छे से। यहाँ पे कुछ मॉडल्स आएंगे, आप ध्यान से देखिएगा, इनके भी हेयर कट्स हेयर कलर किए हुए हैं। बट जब मैंने ध्यान से देखा एक्चुअल में इसमें ये लोगों ने काफ़ी क्रिएटिविटी करके दिखाई हुई थी। आप देखिएगा मॉडल्स आ रही हैं, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। एक एक करके रैंप वॉक भी शुरू होगा बीच में, तो लड़कियां आएंगी जाएंगी एज अ फैशन शो की तरीके से। तो रैंप वॉक पे आपको कलर दिखाया जाएगा, हेयर कट दिखाया जाएगा इसमें। तो इस दिन मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को सब कुछ बताऊं, सिर्फ देखते रहें आप कि वो क्या कर रही हैं। देखिए काफ़ी लोग बोलते हैं कि कर्ली हेयर को मैनेज करना मुश्किल है। जस्सी मतलब कितना इजीली टाई करके छोड़ा हुआ है बालों को, कि आप भी कर सकते हैं। ये देखिए ये बालों को फाइनल लुक दे दिया गया है। यहाँ पे नीचे वाले जो हेयर एंड से उनको थोड़ा सा वॉल्यूमलाइज कर दिया है विद द हेयर स्प्रे, और जो बाकी ब्रेड बनाया था उसको मिडल में लाइक ब्रेड को लूज करके छोड़ दिया गया है, ताकि आप भी देख सकते हो वो कैसा दिख रहा है। तो ये फाइनल लुक है इनका। इस तरीके से रैंप वॉक पे भी लड़कियां और जो मॉडल्स हैं आई मीन वो आ रही हैं अलग अलग हेयर कट्स के साथ।
ये नया मॉडल आया है, इस पे भी आई थिंक डैनियल कुछ करके दिखाएंगे डिफरेंट। उसी तरीके से अभी साथ में मेलरॉय डिक्सन आ गए हैं, ये बैक साइड से स्टार्ट कर रही हैं हेड डाउन करवा के मॉडल का, और उसमें रोप की तरह ही उसको भी दो स्टैंड ही लिए हैं उन्होंने, रोप की तरह घुमा के और एक दूसरे पे फोल्ड कर रही हैं। देखते रहिएगा, बहुत ज़्यादा इजी है। यहाँ पे तीसरा स्टैंड लिया, उसको भी मिक्स कर लेंगे। तो ये वीडियो एक्चुअली ज़्यादा बड़ी ना हो जाए तो मैं सोच रहा हूँ कि आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर के बाद हम ये वीडियो नेक्स्ट डे अपलोड करेंगे, थोड़ा सा और जो वीडियो है। आज हम आधा वीडियो डालेंगे बिकॉज सेकंड डे का वीडियो मेन इम्पोर्टेंट वीडियो था, जो कि हमने लंबा भी बनाया और वो सेकंड डे ही दिखाने वाले हैं। बहुत सारे लोग थे वीडियो के लिए बोल रहे थे काफ़ी देर से, क्योंकि मैंने स्टोरीज अपलोड की हुई थी। जो मैं स्टोरी डालता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे या इंस्टाग्राम पेज पे, अगर आप लोग देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि मैं कहाँ ट्रैवल कर रहा हूँ, क्या एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। और अगर मैं स्टोरी डाल रहा हूँ तो वो वीडियो ज़रूर आने वाली है, फ्यूचर में वो वीडियो आने वाली है। तो मैंने हर एक चीज़ की स्टोरी डाली हुई है। तो इसको वो जो बनाया है ब्रेड डैनियल ने, वो उसको वो घुमा रही हैं आगे की तरफ से, अच्छे से घुमा के छोड़ देंगी। देखते रहिएगा, ये वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जो इसके बाद का वीडियो आएगा उसमें भी मज़ा आने वाला है आपको, क्योंकि उसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई हैं। वो वीडियो के लिए मेरे चैनल पे बने रहे, और जो लोग नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट कर दें। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर कमेंट करें कि सर ये बताएं ये बताएं, तो मैं धीरे धीरे उसके ऊपर काम करता रहता हूँ। जो लोग नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो पुराने हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो। तो ये इन्होंने सेकंड हेयरडू बनाया है, जो कि आप मतलब ऑलमोस्ट फैशन टीवी शो में देखते हो कि कैसे दिखाया जाता है बालों को, रफली हेयरडू जो किए जाते हैं फैशन मॉडल्स के, वो इस तरीके से किए जाते हैं। देखिए कितना इजीली उन्होंने स्टेज पे दिखा दिया कि आप कैसे इसको इतने अच्छे से दिखा सकते हो। तो मुश्किल है ऑब्वियसली ये बनाना, बट करना इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि उन्होंने दिखाया तो बहुत इजी लग रहा था, जब आप करोगे तो समझ में आएगा। तो ये रैंप वॉक है, अभी जो सारे मॉडल्स इन लोगों ने रेडी किए हैं वो चल के आएंगी, दिखाएंगी कि क्या क्या किया गया है बालों में। आई थिंक कुछ तो मैंने दिखा दिए थे और बाकी के थोड़े बहुत बाकी हैं, तो अभी आप देख सकते हैं। सभी यहीं आने वाली हैं, आप देखिएगा ध्यान से हेयर, ये दोनों जो डू स्टेज पे किए गए हैं, जो परफॉर्मेंस दी गई है, पीछे कर्ली हेयर्स हैं उनको कैसे छोड़ दिया गया है, दोनों कर्ली हेयर हैं। ओके, उसके बाद आ जाएंगे शॉर्ट हेयर कट एंड लॉन्ग हेयर कट विद डिफरेंट कलर्स, जो क्रेजी कलर हैं वो दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर डैनियल आ रही हैं, जो डैनियल ने ये सब रेडी की हैं मॉडल्स, अभी डैनियल बताएंगी सबको, थैंक यू बोलेंगी स्टेज मेरा शो देखने के लिए। ये स्पेशली अमेरिका से आए थे, इनके वहाँ पे सलोन्स हैं, एकेडमीज़ हैं, ये क्लासेस भी देते हैं, और अभी ये लोग ट्रैवल कर रहे हैं न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में एक क्लास दे रहे हैं जो कि मैट्रिक्स का ही शो है। तो मतलब ये ट्रैवल करते रहते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, इससे पहले ये गए हुए थे समवेयर इन यूरोप। तो जो लोग मेरे अभी तक इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया प्लीज़ फॉलो कर ले। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो इससे भी मज़ेदार आने वाली है, तो बने रहें मेरे साथ। ओके, बाय बाय, थैंक यू।
जिन लोगों ने अभी तक मेरा इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है, उसका नाम है हेयर सॉल्यूशन, प्लीज़ जाएं अभी के अभी फॉलो करें, और उस पर मैं अपडेट करता रहता हूं मैं कौन सी वीडियो अभी डालने वाला हूं। प्लीज़ जाएं और फॉलो करें, जो भी क्वेश्चंस हैं वहां पे हमें मैसेज कर सकते हैं, हमारी टीम वहां पे रिप्लाई करती है। थैंक यू। और जिन लोगों ने अभी तक मेरा सेकंड चैनल जिसका नाम है करंस लाइफ सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जाएं अभी के अभी सब्सक्राइब करें, बिकॉज मैं उस पर और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ डालता हूँ जो मैं घूमने जाता हूँ आउट ऑफ इंडिया और इंडिया में भी कहीं पे, तो आप प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें अभी के अभी। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाके फॉलो करें। थैंक यू सो मच।